खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? आधार कार्ड दिखा। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हम सभी के फेवरेट एक्टर शक्ति अरोरा के बारे में, जो अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों का दिल जीत चुके हैं और जिन्हें अपनी सालों की एक्टिंग करियर में हमेशा कुछ डिफरेंट या चैलेंजिंग करना पसंद किया है। चाहे वो भाई का रोल हो या पति का रोल हो और या फिर कोई बोल्ड कैरेक्टर हो, इन्होंने हर किरदार को बखूबी निभाया है, जिसके कारण शक्ति अरोरा आज टेलीविजन इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने एक्टर हैं। स्टार्टिंग में वो एक व्यापारी बनना चाहते थे, फिर क्यों बने एक्टर? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शक्ति अरोरा के स्ट्रगल से लेकर सक्सेस स्टोरी तक की पूरी कहानी जानेंगे और साथ ही जानेंगे उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ पर्सनल इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं और अभी तक किया नहीं है लाइक और सब्सक्राइब, तो फटाफट कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 16 मई 1986 को मुंबई में एक बहुत ही क्यूट बच्चे का जन्म हुआ, जिसे आज पूरी दुनिया शक्ति अरोरा के नाम से जानती है। इनका बचपन मुंबई की गलियों में बीता। इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा दो बड़ी बहनें हैं। इनकी माँ एक पैथोलॉजिस्ट हैं और इनके पापा एक व्यवसायी हैं। यह एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके नाना चंद्रशेखर 50 के दशक में कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, जिनमें काली टोपी लाल रुमाल, स्ट्रीट सिंगर, बरादरी रुस्तम बदास शामिल है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट कोलंबस मुंबई से कंप्लीट की और उन्होंने एमएटी यूनिवर्सिटी से मीडिया और कम्युनिकेशन मास्टर्स पूरा किया। इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक कॉल सेंटर में काम किया, लेकिन कॉल सेंटर वाले ने कभी पैसे नहीं देते थे, इसलिए इन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया। टेलीविजन इंडस्ट्री में आने से पहले वह एक व्यापारी बनना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने करीबी रिश्तेदार को कारोबार में अच्छा करते देखा था। लेकिन एक दिन उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। शुरुआत में इन्होंने कई कॉमर्शियल एड्स किए और फिर इन्हें मिला इनका पहला सीरियल बाबू और बेबी, जिसमें इन्होंने जिगर अरविंद टक्कर का रोल प्ले किया था और यहीं से इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। और उसके बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट, दिल मिल गए, हॉरर शो कोई है, ऐसे कई सीरियल्स में नजर आए। वैसे आपको बता दूं, स्टार प्लस के सीरियल तेरे लिए में काम करने के बाद शक्ति अरोरा को एक नई पहचान मिली और इसी सीरियल ने उन्हें काफी सफलता दी, जिसके बाद शक्ति अरोरा ने अगले जन्म में बिटिया ही की जो संस्कार लक्ष्मी, पवित्र रिश्ता, ये है आशिकी, मेरी आशिकी तुमसे ही और सिलसिला बदलते रिश्तों का, ऐसे कई शोज में काम किया। लेकिन इनकी लाइफ का बेस्ट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ मेरी आशिकी तुमसे ही सीरियल से, जिसमें वो राधिका मदान के अपोजिट नजर आए थे। इसके अलावा शक्ति अरोरा नजबलिया सीजन 7 में भी नजर आ चुके हैं और इस समय ये कुंडली भाग सीरियल में नजर आ रहे हैं, जिसमें वो करण लूथरा की जगह पर अर्जुन सूर्यवंशी का रोल प्ले कर रहे हैं और इसमें वो प्रीता लूथरा के अपोजिट नजर आ रहे हैं। और प्रीता के साथ इनकी नोकझोंक इनके फैंस को काफी पसंद आ रही है और अर्जुन का किरदार भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अगर इनकी लव लाइफ की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, शक्ति अरोरा ने अपने सह कलाकार नेहा सक्सेना से शादी की है और साल 2010 में इनकी मुलाकात तेरे लिए के सेट पर हुई थी। देखते ही देखते वो अच्छे दोस्त बन गए और नेहा ने दोस्त होने के नाते शक्ति का समर्थन किया, क्योंकि वह उस समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप के बाद बुरे वक्त से गुजर रहे थे। जल्द ही दोनों ने महसूस किया कि हम दोनों को प्यार हो गया और करीब 6 साल तक डेट करने के बाद सगाई कर ली और कुछ दिनों बाद ही दोनों ने शादी कर ली। शक्ति सीरियल में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी वो लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं और आज उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शक्ति अरोरा की लाइफ से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। शक्ति अरोरा के फेवरेट हीरो आमिर खान है और फेवरेट हीरोइन आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ है। इनकी फेवरेट हॉबीज डांसिंग, एक्टिंग, रीडिंग एंड ट्रेवलिंग करना है और इनका फेवरेट प्लेस ग्रीस, फिजी और अंडमान और निकोबार है। तो फ्रेंड्स, ये थी शक्ति अरोरा की छोटी सी लाइफ स्टोरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू फ्रेंड्स।